सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज होली है और ये मेरा होली ब्लॉग है। वैसे होली ब्लॉग बोले तो कुछ करने को रहता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ रहती हूँ। आपको तो पता ही है होली का त्यौहार पूरी फैमिली के साथ मनाया जाता है, तो इसलिए कुछ ऐसा खास होने वाला नहीं है। बट फिर भी मेरे साथ जो भी हो रहा है मैं आपको शेयर करूँगी। मैंने खाने की थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैंने खाने की थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है। तो मैंने यहाँ पे आलू कटहल उबाल के रखा हुआ है, इसकी सब्जी बनेगी। और यहाँ पे थोड़े हरे चने हैं जो मैं थोड़ा हरा चना मसाला बनाऊँगी और कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। और ये मैंने पुआ के लिए बैटर घोल लिया है और इसमें सूजी भी है, तो मैं इसको घोल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दे रही हूँ, आई थिंक 10-15 मिनट के लिए, ताकि ये फूल जाए, सूजी फूल जाएगी। उसके बाद हम फिर पुए को अच्छे से घोलेंगे, उसमें ड्राई फ्रूट सौंफ वगैरह जो भी डालते हैं वो सब डाल के उसके बाद पुआ बनेगा। तो ये सारी तैयारी मैंने कर ली है और अब बारी आती है थोड़ा बेड ठीक करने की, क्योंकि ऑब्वियसली होली है तो थोड़ा घर भी अच्छा दिखना ही चाहिए। तो मैं फटाफट अपने बेडरूम का बेडशीट चेंज कर लेती हूँ और उसके बाद ये सारी चीज़ें रेडी करने के बाद फिर चलते हैं किचन में और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। मैंने बेडशीट बिछा लिया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरा बेड रेडी है। तो अब हम लोग चलते हैं किचन में। हाय गाइस, तो आ गई हूँ मैं किचन में और चलिए देखते हैं कि मैं क्या क्या बनाती हूँ और कैसे कैसे। तो ये मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए, और ये रहा हरा चना जो हम लोग बनाएंगे अभी, और ये कुछ अनियंस है जो मैंने दोनों सब्जी के लिए एक साथ ही काट लिया, एक कटहल के लिए और एक हरा चना के लिए। देखिए मैंने आलू को भी छील लिया है जो मैंने ऐसे ही बॉइल किया था। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम लेंगे थोड़ा जीरा, और पहले जीरा डालेंगे, तेल को थोड़ा सा गर्म होने जाने देंगे, उसके बाद जीरा डालेंगे। जीरा जैसे ही पॉप होगा हम लोग उसमें अनियन डालेंगे। तेजपत्ता गरम मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग कुछ ऐसा खास नहीं बना रहे हैं, हम लोग नॉर्मल घर के लिए बना रहे हैं। और मैंने यहाँ पे अनियन पहले से कट करके रखा है, मैंने दोनों सब्जी के लिए एक साथ ही अनियन कट कर लिया था। और अब हम जब जैसे ही जीरा थोड़ा पॉप होगा हम उसमें अनियन डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। अनियन को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसे थोड़ा पिंकिश ब्राउन करना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और ये अच्छे से भुन भी जाए। तब तक हम इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये कढ़ाई में लगे नहीं और अच्छे से ये फ्राई हो जाए। जैसे ही अनियन का कलर हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, देखिए इस कलर का जैसे ही अनियन हो जाएगा हमारा अनियन तैयार है, जिसमें हम अपने हरे चने डालेंगे और उसके बाद हम उसे स्टर करेंगे। ध्यान रहे अनियन को ज़्यादा ना पकाएं, क्योंकि जैसे ही ज़्यादा अनियन पक जाएगा तो वो कड़वा होने लगेगा, इसलिए इतने ही रेड पे आप इतने ही रेड कलर पे आप हरा चना डाल दें और हरे चने को डाल के अच्छे से मिलाएं। मेक श्योर कि आपने अच्छे से चने को मिलाया है, और मिला के इसको हम लोग अच्छे से ढक देंगे ऑलमोस्ट 5 मिनट के लिए। जी हाँ, 5 मिनट के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ पकने में थोड़ा बहुत टाइम लेता ही है, 1 मिनट या 2 मिनट सिर्फ कहने की बातें होती है, उसमें पकता नहीं है। इसलिए हमें इसे 5 मिनट तक पकाना है बिना कुछ डाले हुए। हाँ, बीच बीच में हम ये ज़रूर चेक करते रहेंगे कि नीचे से लगे ना, और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे, और उसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इस पॉइंट पे अगर आप मेरे मेथड से बना रहे हैं तो आप भी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिएगा। इसे अच्छे से मिलाएंगे हम, अच्छे से भूनेंगे। अदरक लहसुन का कच्चा पेस्ट जब तक नहीं चला जाता तब तक हम इसे भूनेंगे, कम से कम 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर फ्राई करने पर उसके छींटे आने लगते हैं, ताकि जिससे आपको जलने का भी थोड़ा खतरा हो सकता है, इसलिए आप इसको थोड़े कम फ्लेम पे ही फ्राई करें और इसे 2 मिनट ढक के फ्राई करेंगे ताकि छींटे बाहर ना आए। 2 मिनट अच्छे से ढक के फ्राई करने के बाद हम इसे एक बार फिर से चलाएंगे।
अब देख लें कि कढ़ाई में कहीं लगा हुआ तो नहीं है। अच्छे से चला लेने के बाद अब आती है बारी टोमेटोज़ की। जी हाँ, मैंने एक टोमेटोज़ को यहाँ पे चॉप करके कट करके पहले से ही रखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कटहल में टोमेटोज़ नहीं खाते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि बिना टोमेटोज़ का सब्ज़ी क्या सब्ज़ी होता होगा, इसलिए मुझे टोमेटोज़ पसंद है। थोड़ा बहुत ही सही, बट मुझे अच्छा लगता है डालना, इसलिए मैंने टोमेटोज़ को दोनों सब्जी में डालने के लिए पहले से ही कट करके रख दिया है। अब आती है बारी मसाले की, तो हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्चा पाउडर। आप अपने स्वाद के अनुसार मिर्चा पाउडर डालिएगा, मुझे थोड़ा चटपटा पसंद है तो मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ रेड पाउडर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और धनिया गुड़ा और जीरा गुड़ा। मैंने एक ही में मिक्स करके दोनों को रखा हुआ है, तो मैं एक ही साथ डाल दूंगी दोनों को। अब बारी आती है नमक की। नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें, नमक हमेशा कम ही डाला जाना चाहिए, ताकि अगर आगे कम पड़े तो उसमें हम लोग मिला सकते हैं। पहले ही ज़्यादा डाल देने के बाद फिर आगे चल के दिक्कत होती है, इसलिए नमक कम डालें अपने स्वाद के अनुसार, अपने क्वांटिटी के अनुसार। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिलाएंगे, एकदम लो फ्लेम पे। कभी भी ड्राई मसाले डालें तो लो फ्लेम पे मसाला डाला करें, ताकि वो नीचे से जले ना। इसे अच्छे से जलाएंगे, लो फ्लेम पे ढक के 2 मिनट पकाएंगे। उसके बाद बारी आती है पानी की। अब हम इसमें हल्का पानी डालेंगे, पानी डाल के इसको अच्छे से स्टर करेंगे। अच्छे से स्टर करने के बाद हम इसे ढक देंगे, ढक के थोड़ी देर के लिए इसे पकाएंगे, ताकि जो चना है, जो मसाला है, वो अच्छे से पक जाए। और मैंने गरम मसाला नहीं डाला था, मैं भूल गई थी उस वक्त, इसलिए मैंने बाद में फिर गरम मसाला डाला, उसको भी मिलाया। अच्छे से मिला के उसके बाद हम इसको अच्छे से ढक देंगे। ढक के हम लोग इसको, हरे चने को, ऑलमोस्ट लो मीडियम फ्लेम पे बीच बीच में पकाते रहेंगे। आपका मन, आप ढक के पकाएं या बिना ढक के पकाएं, क्योंकि मसाला तो ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। मैं यहाँ बिना ढक के पका रही हूँ, क्योंकि मुझे चलाना है बार बार, और आप भी चाहें तो बिना ढक के पका सकते हैं। बीच बीच में इसे चलाते रहें, ताकि मसाला ना लग जाए। और ये देखिए, हमारा हरा चना मसाला पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है, अच्छे से मसाला भून चुका है, बगल से तेल दिख रहा है। अब हम इसमें डालेंगे पानी, अपने हिसाब से पानी डालिएगा। मैं ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं बना रही हूँ, मैंने पहले ही कहा था मुझे ग्रेवी वाली सब्जियाँ ज़्यादा बन के रेडी हो चुका है। अब बारी आती है पुआ बनाने की। मैं हरा चना कैसा बना है, कैसा लग रहा है, वो आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले पुआ दिखाती हूँ कि मैं पुआ कैसे बना रही हूँ। मैं सच बताऊँ तो मुझे पुआ बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, और शादी से पहले मैंने कभी भी पुआ नहीं बनाया है, बट अब यहाँ पे अकेली हूँ तो मैं ही बनाती हूँ। तो मैंने तेल पहले ही गर्म करने के लिए बैठा दिया था मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, मैंने जो बैटर घोल के रखा हुआ था पुए का, वो एक थोड़ा थोड़ा करके चम्मच से मैं डाल रही हूँ धीरे धीरे। मेक श्योर कि तेल थोड़ा गर्म हो, एकदम ठंडे तेल में नहीं डालना चाहिए, जैसा कि मुझे लगता है और मेरी मम्मी को बनाते हुए मैंने ऐसे ही देखा है। तो ठंडे तेल में नहीं डालना चाहिए, थोड़ा गर्म हो जाए पुआ, उसके बाद डालिए, और कम कम बैटर लेकर डालिए, ताकि वो अच्छे से पके। एक ही बार ज़्यादा बैटर डाल देने के बाद बीच में वो पकता नहीं है, इसलिए कम कम बैटर डालें। और देखिए मेरे पुए कितने अच्छे से फूल रहे हैं, और कितने अच्छे तरीके से मैं बना रही हूँ। मुझे खुद पे प्राउड हो रहा है कि मैं पुआ बनाना सीख रही हूँ धीरे धीरे ही। सही, इसमें से बहुत सारे लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा कि इसमें ऐसा कौन सा तीरमा खा वाला काम है, बट मेरे लिए तो है, क्योंकि बन चुका है। अब बारी आती है पूरी की, जो मैं छान रही हूँ। आप देख रहे होंगे मैं पूरी बना रही हूँ, मैंने आधी पूरी बना चुकी हूँ, पर फिर मुझे याद आया कि जब सारे खाने मैंने आपको शूट करके दिखाया तो इसे क्यों नहीं, तो इसलिए मैं इसे भी शूट कर लेती हूँ। पूरी तो नॉर्मल है, वो तो सबको ही बनाने आती होगी, तो मैं भी अपना यहाँ पे पूरी छान रही हूँ, क्योंकि बाकी ऑलमोस्ट सारे खाने मेरे बन चुके हैं। अब गरम गरम पूरी छानूंगी। अभी टाइम हो रहे होंगे 12:00 PM। मैं गरम गरम पूरी इसलिए छान रही हूँ क्योंकि अब सबको भूख लग चुकी है, तो मैं इसको अच्छे से छान के और अब खाना बस खाऊंगी, क्योंकि मुझे भी सुबह से काम करते करते भूख लग चुकी है। तो बस अब हमारा पूरी बन चुका है और हमारा सारा खाना रेडी है। मैं आपको दिखा रही हूँ कैसा बना हुआ है, चलिए देखते हैं। तो ये है मेरे कटहल और आलू की सब्ज़ी, ये हरा चना,
ये पुआ जैसे मैंने आपको दिखाया, और ये रहा हमारा पूरी। ये मेरे बेटे की शैतानी, यहाँ पे मेरे साथ होली खेलने के बाद इसका मन नहीं भरा तो ये अकेले खुद को ही नहलाया जा रहा है। सो क्यूट ना। काम धाम कर लेने के बाद मैं नहा के थोड़ा फ्रेश हुई, उसके बाद मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये देखिए, ये है मेरा होली आउटफिट जो मैंने होली के दिन पहना हुआ था। अब बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। हैप्पी होली वंस अगेन। जैसे कि मैंने आपको उस वक्त दिखाया, मैंने सारा खाना बनाया, उसके बाद मैं अपने बेटे के साथ थोड़ा होली भी खेली। उसी के साथ खेलूंगी, और कोई तो है नहीं मेरे पास, तो उसके साथ थोड़ा होली खेली। मैं कोई पिक्चर अगर होगा तो मैं ज़रूर आपको यहाँ पे साइड में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। और अभी मैंने अबीर खेला होली के लिए। मैं होली खेलने के बाद मैं थोड़ा नहाई, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद फिर उठ के फिर मैं रेडी हुई। रेडी होने के बाद मैं हम लोगों ने अबीर खेला। अभी हम लोग थोड़ा जा रहे हैं बाहर एक दो जगह। अभी मैं ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और तब तक के लिए आप सबको हैप्पी होली, और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। ओके, बाय।